हाय आज फिर से वर्ग अष्टम विज्ञान से वर्ग अष्टम विज्ञान विज्ञान विषय से चैप्टर तीसरा तृतीय चैप्टर विज्ञान विषय से वर्ग अष्टम का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ उसका यह पहला वीडियो है अध्याय का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन तो नाम से ही पता है कि फसल का हम उत्पादन के बारे में जानकारी लेंगे और प्रबंधन किस तरह होगा इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे तो अद्यतन मेरा प्रश्न है कि खरीफ रबी व जायद फसलें क्या है खरीफ रबी व जायद फसलें क्या है निश्चित रूप इन बातों का जवाब आपको वीडियो के अंत तक निश्चित मिल जाएगा और आ, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम आदमी जानते होंगे इसको लेकिन फिर से मैं दोहराना पसंद करूँगा लेकिन बच्चे उनको फसल के बारे में जानकारी देना बेहद जरूरी है क्योंकि उनका यह अध्याय से भी संबंधित है तो और फसल के संबंधित जानकारी देना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उद्योग हैं लेकिन आज भी सत्तर प्रतिशत आबादी भारत में सत्तर प्रतिशत आबादी कृषि के क्षेत्र में सम्मिलित है उनसे अपनी जीविका चला रहे हैं सत्तर प्रतिशत लगभग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है इसलिए इसे जानना जरूरी है और शैक्षणिक कार्य में इसे अध्याय बना के दिया गया है और वैसे भी कहा जाता है कि हमारा भारतवर्ष देश एक कृषि प्रधान देश है तो पहले हम ये जान लें कि फसल जो है ये उत्पादन एवं प्रबंधन उत्पादन के भी बारे में जानेंगे और प्रबंधन के भी बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले फसल के बारे में जान लें और ऋतु के हिसाब से जो फसल का वर्गीकरण किया गया है आज के वीडियो में मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा कि मौसम के हिसाब से जो फसल का वर्गीकरण किया गया है उस पर मैं चर्चा कर लूँ और पुनः उत्पादन और प्रबंधन अगले दूसरे और तीसरे वीडियो में आएंगे तो फसल के बारे में तो निश्चित रूप फसल का जो परिभाषा है इसको हम पहले समझ लें कि खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे खेतों में उपजाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं सीधी सी बात है कि वैसे उपयोगी पौधे जो खेतों में उपजाए जाते हैं हमारे लिए उपयोगी हो कई तरीके से सिर्फ भोजन से ही नहीं वो हमें भोजन कपड़ा आवास सभी चीज उपलब्ध कराते हैं यही फसल कहलाते हैं और हमारी जरूरत मूलभूत जरूरतें तीन चीज पर बताई जाती है टिकी हुई है भोजन कपड़ा मकान आवास जो है तीन चीज अब दो चीज और जुड़ गए हैं स्वास्थ्य एवं शिक्षा लेकिन मूलभूत हमारे तीन है जो दो बाद में जुड़े हैं तो इसको अपनी भाषा में कहा गया रोटी कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान तो फसल के बारे में हम जान लें कि खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं इसको ऋतु के हिसाब से तीन नाम दिए गए हैं तीन भाग में बांटे हैं मौसम के हिसाब से ऋतु के हिसाब से बांटा गया है पहला है पहला खरीफ दूसरा नाम है रवि तीसरा नाम है जायद अब ये एक एक करके तीनों को हम जान लेते हैं कि खरीफ फसल जो है ये वर्षा के ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल है यानी वर्षा के ऋतु में जो फसल आ, उपजाए जा उपजाए जाए वो खरीफ फसल कहते हैं वर्षा ऋतु में उपजाए जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाते हैं इसके बारे में कुछ और बातें हैं कि इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान की जरूरत होती है तापमान एवं आर्द्रता दोनों जरूरत होती है खरीफ फसल को बोते वक्त और पकते वक्त जिस समय हम काटते हैं उस समय शुष्क वातावरण चाहिए यह यह उत्तर भारत में जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ फसल की बोआई जून जुलाई में होती है और अक्टूबर के आसपास कटाई होती है हम पहले बोले हैं कि यह आ, बोते समय अधिक तापमान चाहिए तो जून जुलाई में तापमान ज्यादा होता है और आर्द्रता होती है और पकते समय शुष्क वातावरण यानी अक्टूबर के आसपास शुष्क वातावरण होता है यही खरीफ फसल का है और इसमें कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि आपको धान मक्का ज्वार बाजरा मूँग मुं, मूँगफली गन्ना और सब भी हैं वगैरह वगैरह हैं मुख्यतः हम लोग जानते हैं मक्का और धान को अच्छी तरह से जानते हैं और ये खरीफ फसल के ये सब थे मक्का शब्द थोड़ा सा ये होता है कि हमारे उत्तर भारत में आ, उसका सीजन का पता नहीं होता है हालांकि इसमें तो खरीफ में रखा गया लेकिन मेरे हिसाब से आप आ, अपने आसपास को के मौसम के हिसाब से या मुआयना करें मक्का को तो वो सब सभी मौसम में लगभग लगभग हो जाते हैं लेकिन मुख्यतः इसका अपना फसल है यह आ, बिहार में ज़्यादातर उपज होती है या कोसी क्षेत्रीय के एरिया में मक्के की फसल थोड़ी ज़्यादा होती है और इसका मौसम या अवधि जो होता है थोड़ी थोड़ी क्षेत्र के दूरी पर जो है मिट्टी के आधारित जो होता है ये आ, समय परिवर्तन होते रहता है कि किस समय में बुआई होगी Uh, मिट्टी का क्या स्थिति है uh, हर दस किलोमीटर पर कहा जाए कि कुछ दिन का अंतर आते जाता है इसलिए थोड़ी सस्पेंस वाली स्थिति हो जाती है कि मक्का किस में रखा हुआ है लेकिन मुख्यतः यह खरीफ फसल में होती है तो मौसम के हिसाब से वर्गीकरण पहला हो गया खरीफ अब दूसरा है रबी फसल रबी फसल इनकी बुआई कम तापमान बुआई करते वक्त कम तापमान चाहिए और कटाई के वक्त तापमान जो है शुष्क और गर्म वातावरण चाहिए यानी बुआई के वक्त कम तापमान चाहिए और कटाई के वक्त ज़्यादा तापमान चाहिए यही जो है ये रबी फ़सल होता है और यह रबी फ़सल शीत ऋतु में शीत ऋतु में उपजाई जाती है रबी फसल शीत ऋतु के समय उपजाई जाती है और बुआई के समय कम तापमान और कटाई के समय ज़्यादा तापमान यह अक्टूबर के आसपास रबी फसलें अक्टूबर के आसपास बुआई की जाती है इसमें आपको है कई एग्जाम्पल है गेहूँ जौ चना मसूर सरसों मटर आलू वगैरह वगैरह सब है ये रबी फसल में आ जाते हैं तो ये दूसरा था पहला खरीफ दूसरा रबी फसल, अब तीसरा है जायद फसल तीसरा जो जायद फसलें हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन फसलों को तेज गर्मी शुष्क हवाएं सहने की क्षमता होती है ऐसे फसलों को। और जहाँ ये खरीफ और रबी फसलें नहीं होती है वहाँ पे ये फसलें होती है ज़मीन भी बाल बलवा हो शुष्क हो मौसम कोई दिक्कत नहीं ये फसल वहाँ होते हैं यह अक्सर कहा जाता उत्तर भारत में मार्च अप्रैल में बोया जाता है उत्तर भारत में मार्च अप्रैल के आसपास बोया जाता है और इसका बेहतरीन उदाहरण है जायद फसल का आ, हम लोग बोलते हैं कि गर्मी में इस फसल की ज्यादा चाहत होती है तरबूजा हो ककड़ी खीरा करेला ये सब जितने भी हैं सब जायद फसल में आते हैं तो मौसम के हिसाब से हमने वर्गीकरण किया फसलों का वो तीन कैटेगरी में आया खरीफ रबी और जायद तो निश्चित रूप मेरे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि खरीफ फसलें रबी फसलें और जायद फसलें क्या हैं तो अपने पूरे वीडियो में देखा और ये वर्गाष्टम से विज्ञान के वर्गाष्टम से आ, अध्याय तीसरा था जो फसल अध्याय है उसी का यह पहला वीडियो है और मुझे लगता है कि और दो वीडियो इस पर आएंगे दूसरा और तीसरा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फसल में और निश्चित रूपन मैं पुनः दोहराना चाहूँगा बच्चों के लिए कि वो नोट्स बनाते चलें बहुत अच्छा रहेगा नोट्स बनाते चलें और कुछ बच्चे प्रश्न दे रहे हैं फोन के माध्यम से कमेंट में भी प्रश्न दे रहे हैं उस प्रश्न को बीच बीच में बनाते जा रहा हूँ और निश्चित रूपन आपके प्रश्नों का एक अलग वीडियो बना के मैं निश्चित डालूँगा आपके मन में विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न है वो कमेंट में ज़रूर लिखें मैं उसका वीडियो बना के आपके नाम सहित निश्चित दूंगा और देख रहे हैं वीडियो निश्चित रूपन जो यूट्यूब के भाषा में कहा जाता है सफलता की ओर जा रही है और नित प्रतिदिन संख्या बल देखने की वो बढ़ती जा रही है और मैं शुरू में ही बोला था कि मेरे वीडियो से अगर कम से कम पाँच भी बच्चे लाभ उठाते हैं तो मैं खुद को सफल मानूंगा तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और दूर दूर से मैं सोच भी नहीं सकता था बहुत दूर से भी बच्चे देखते हैं और फ़ोन पर बातें करते हैं और अच्छा लगता है तो फिर वही अंत में मैं जो कहना नहीं चाहता हूँ कि वीडियो को निश्चित रूप में आगे बढ़ाएँ बच्चों को आ, अपने सामने व्यक्तिगत तौर पे ना दें अपने सामने दस मिनट समय दें वो वीडियो को एक बार पूरा देखने दें उसे और दोबारा पुनः नोट्स बनाने के लिए रोक रोक के वीडियो को नोट्स बनाते चलें तो निश्चित रूप मुझे उम्मीद है कि यह सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और निश्चित कमेंट में लिखते चलेंगे इससे हमारा भी हौसला अफजाई होता है बच्चों का भी हौसला अफजाई होता है यह बनाने का मेरा वीडियो बनाने का मकसद अध्याय दर अध्याय है इसके पीछे यही मनसा है कि आ, मेरे पास पास जो जानकारी है वो अन्य शिक्षक बच्चे साझा करें और वो भी अपना चाहे तो आ, उनका भी मैं साझा करना चाहूँगा जिस विषय के भी विशेषज्ञ शिक्षक लोग होंगे मैं उनको आमंत्रित करूँगा विषयवार और कुछ टॉपिक्स दूंगा आपके सवाल अगर आएंगे तो मैं उस टॉपिक्स के हिसाब से वीडियो बना के डालूँगा अब वर्ग अष्टम के साथ साथ वर्ग नवम का भी वर्ग नवम का भी अध्याय बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ विज्ञान से विज्ञान का वर्ग नवम का उसका भी अध्याय मैं शुरू करूँगा और अंत में एक बहुत बेहतरीन जानकारी मैं दूंगा कि क्रिकेट संबंधी एक क्विज मेरे दिमाग में आया है मैं उस पर काम कर रहा हूं और देखता हूं और उसे निश्चित में प्रायोजित करूंगा क्रिकेट क्विज के बारे में और देखता हूं और अगला कल मेरा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इस अध्याय का दूसरा वीडियो होगा और तीसरा वीडियो और उसके बाद यह चैप्टर पूर्ण हो जाएगा फिर अगले चैप्टर की ओर चलेंगे तो यहीं तक थैंक यू शुभ रात्रि